फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन जैन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो डेब्ट फ्री है और स्टेट गवर्नमेंट इसे हैंडल करती है और ये काफी अच्छे रिटर्न्स दे रही है। बोनस शेयर्स भी इस कंपनी ने दिए हैं, डिविडेंड भी रेगुलरली दे रही है और डेब्ट कोई भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न्स देती है। और हाल ही में इसने बायबैक का अप्रूवल किया था। ये कंपनी है मॉइल लिमिटेड। अभी करंटली इसका जो प्राइस है 235 के करीब चल रहा है और इसका जो लो था 180 के करीब था, और यानी से पे 147 का इसका लो था और हाई 429 बीएसई पे था और 285 का एनएसी पे इसका हाई था। तो ये कंपनी एक मैंगनीज ऑयल कंपनी है जो खाली मैंगनीज माइनिंग करती है और इसकी जो हेड ऑफिस है वो नागपुर में है और महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश में मिला के टोटल 10 माइंस है इसकी। और आने वाले समय में ये जो मैंगनीज है इसका डिमांड बढ़ने वाला है और धीरे धीरे अभी भी बढ़ चुका है, उसी के चलते ये कंपनी ने इतना ग्रो किया है और आगे जाके ये मल्टीबैगर बन सकता है। चलिए उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसका मैं पहले चार्ट दिखा लेता हूँ। ये देखिए, लो इसने मई जून के बीच में मारा था 147.50 का एनएसी पर और इसने लगातार डिविडेंड दिया है। फरवरी में डिविडेंड दिया है 50% का, फिर 60% का है सितंबर में दिया है, फिर बोनस शेयर्स भी इशू किए 27 सितंबर को, हाई इसका था 285 का एनएसी पर, और आगे जाके ये मल्टीबैगर बन सकता है। और इसने जो बायबैक का ऑफर किया है 4%, ये मार्केट से बायबैक करने वाले हैं और 240 के रेट से ये बायबैक करने वाले हैं। तो बायबैक इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें भी पता है रेड मैंगनीज जो ऑयल है उसका डिमांड बढ़ रहा है और हाल ही में रेट्स बढ़ाए थे गवर्नमेंट ने और 100% इसके लिए बाय का रिकमेंडेशन दिया है। और इसका जो मार्केट कैप है 6262 करोड़ का है, बुक वैल्यू 100 का है, प्राइस टू बुक 2.34 का, और ये गवर्नमेंट की कंपनी है। डिविडेंड 110% का दिया है 2017 में। इसके हम फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। इसका जो सेल्स हुआ था दिसंबर में 299 करोड़ का और प्रॉफिट हुआ था 103 करोड़ का, मींस प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहा है और मींस ज्यादा लॉस तो ये कंपनी को होने वाली नहीं है, गवर्नमेंट की कंपनी है। ये देख लीजिए, टोटल शेयर कैपिटल 133 करोड़ है, नेटवर्थ 2805 का है और जो डेप्थ है वो जीरो है, मीन्स डेप्थ जीरो कंपनी है तो प्रॉफिट करेगी ही और शेयर होल्डर्स को भी अच्छा फायदा पहुंचाएगी ही। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी अच्छी कंपनी है और लेके आप भूल सकते हैं। अगर आपको रेगुलरली इसका जो डिविडेंड है रेगुलरली हर साल आपको मिलते रहेगा, डिविडेंड से भी काफी अच्छा मुनाफा आपको होने वाला है। इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बता देता हूँ। इसका जो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न है 65.58 करोड़ परसेंट और बाकी पब्लिक के लिए 34, मीन्स काफी कम इसने पब्लिक और म्यूचुअल फंड्स के लिए छोड़ रखे हैं। और अभी फिर से ये 4% बायबैक कर रहे हैं तो 69-70% इनका होल्डिंग हो जाएगा गवर्नमेंट की। तो आप ही सोच लीजिए, इतनी होल्डिंग है और पब्लिक म्यूचुअल फंड्स में काफी कम शेयर दे रखे हैं और कौन कौन से पीएनबी परिपास मिड कैप फंड ने इसके शेयर बाय कर रखे हैं, काफी ज्यादा अलग अलग फंड में डाल रखे हैं। और ये डिविडेंड ग्रोथ के लिए काफी अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड अच्छा देती है और लॉन्ग टर्म के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि आगे जाके इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल चालू होने वाली है 2020 के बाद, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में लगने वाली बैटरीज है वो बैटरीज के भी डिमांड बढ़ने वाली है और ये कंपनी एक मोनोपोली जैसा काम करेगी, क्योंकि ये अकेली जो कंपनी है मैंगनीज ऑयल माइनिंग करती है और आगे जाके वो एल्यूमिनियम बैटरीज बनने वाली है जो जिसकी लाइफ ज्यादा रहती है उस पर रिसर्च चल रहा है और ये कंपनी उन बैटरीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल देने वाली है जो मैंगनीज का ऑयल लगेगा, मैंगनीज ऑयल लगने वाला है उसके अंदर और सबसे ज्यादा डिमांड इसकी उस टाइम बढ़ने वाली है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आप ये लॉन्ग टर्म के लिए लेके भूल सकते हैं। 2026 से 30 तक बहुत अच्छा रिटर्न्स ये देगी, बोनस शेयर्स भी आगे जाके और देने वाली है ऐसा लगता है, अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा और डिमांड बढ़ा तो।
और डिविडेंड तो हर साल दे ही रही है, मीन्स करीबन 10 रुपए 11 रुपए ऐसे डिविडेंड दे ही रही है। चलिए मैं बता देता हूँ डिविडेंड और बोनस शेयर्स के बारे में भी। ये देखिए, हाल ही में इसने बोनस शेयर्स दिया था 2017 अगस्त में, एक पे एक 1:1, और डिविडेंड दे रही है 2018 में फरवरी में 30% का डिविडेंड दे चुकी है, और 2017 में 110% का डिविडेंड दे चुकी है। मींस एवरी ईयर ये कंटिन्यूस डिविडेंड दे रही है प्रॉफिट में से, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए अच्छा है। ये आपको लॉस कभी देगी नहीं कंपनी। तो मेरे हिसाब से भले बाय बैक में आप नहीं रहो, लेकिन मॉइल एक कंपनी गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, और रिटर्न्स काफी अच्छा देने वाली है, और आगे चलते ये काफी अच्छा मीन्स रिटर्न शेयर होल्डर को देने का मादा रखती है डिमांड के चलते। तो मुझे लगता है ये कुछ स्टॉक्स तो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और अभी 235 का रेट चल रहा है, 240 पे बायबैक है, तो और इस ये रेट बढ़ने की बढ़ सकता है जो शेयर मार्केट में ये रेट चल रहा है। तो इसका जो शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए अगर आप टारगेट रखो तो 280 290 तक, 300 तक जा सकता है डिमांड के चलते, क्योंकि 70% तो होल्डिंग प्रोमोटर्स की हो जाएगी। मीन 30% ही ट्रेड करेंगे, और 30% में से भी म्यूचुअल फंड्स वालों ने खरीद रखे हैं, तो मीन्स 10-15% ही पब्लिक को मिलेगा। तो आप ही सोच लीजिए, ट्रेडिंग भी कम होगी और जैसे ग्रोथ होगी इसका स्टॉक भी बढ़ते जाएगा। चलिए, आज मुझे इतना ही बताना था। और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप रिकॉर्ड डेट जो इसकी है वो 20 तारीख की है, 20 फरवरी 2018 बायबैक की, अगर आप 15 तारीख तक भी ले लेते हो या उससे पहले ले लेते हो और डीमैट के अंदर आपका ये स्टॉक चले जाता है, तो ये बायबैक के लिए भी आपके लिए काम में आ सकता है। चलिए, आज मुझे इसी के बारे में बताना था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।